अब हम बात करते हैं टाइटल की। कैनोनिकल इशू हमारा हो गया है और उसके बाद टाइटल की बात करते हैं हम। टाइटल में क्या है? टाइटल में बेसिकली देखिए इन्होंने क्या डाला है, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन गुड़गांव, क्योंकि ये गुड़गांव का इनका अलग पेज है, ठीक है, गुड़गांव टारगेट कर रहे हैं, तो इन्होंने गुड़गांव, ये डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन गुड़गांव, ये इनका जो है एक कीवर्ड है, फ्रेज है, जो कि इन्होंने टाइटल में यूज़ किया है। और इन्होंने देखिए अब यहाँ देख लेते हैं, ये देखिए इन्होंने यहाँ भी यूज़ किया है, तो हमारा जो कीवर्ड होना चाहिए वो टाइटल में भी होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए। तो इन्होंने पूरे अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है, जिसकी वजह से जो है इनका रैंक आना चाहिए, ठीक है। तो हमें यूज़ करना है टाइटल जो है पूरा, मतलब कि आपका जो है देखिए 2 9, गूगल ने अभी इसकी लिमिट बढ़ा दी है, तो 292 तक है, तो आप यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर टाइटल 60 60 to 70 यूज़ कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं, 10 to 70 तक यूज़ कर सकते हैं इसको, और इसको हम 160 से 130 तक यूज़ हो सकता है ये, ठीक है, इसकी लिमिट इतनी है डिस्क्रिप्शन की। तो ये SEO एक बहुत अच्छा टूल है, जिसके थ्रू जो है ये सब कुछ बता देता है। अब क्या करेंगे हम, इसमें मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन हो गया है, इसमें इसी के थ्रू बता देती हूँ मैं आपको क्या क्या करना है। हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे। अब क्या है, हेडिंग हम यूज़ कर लेते हैं, पर हम हेडिंग में अपना कीवर्ड डालना भूल जाते हैं। अगर हम अपना हेडिंग में कीवर्ड डालते हैं तो उसकी रैंक बहुत अच्छी आती है, वेबसाइट आपकी रैंक करेगी, पेज आपका रैंक करेगा, सॉरी पेज आपका रैंक करेगा। देखिए इन्होंने क्या है, इन्होंने S2 में ये डाला है अपना कीवर्ड, तो पर ऑप्टिमाइजेशन अभी भी नहीं है इनका। ऑप्टिमाइजेशन इसलिए नहीं है क्योंकि S2 इन्होंने इतनी बार यूज़ किया है, S2 सिर्फ 2 times यूज़ करना है, S3 3 times यूज़ करना है, H1 सिंगल यूज़ करना है, और S3 मतलब कि इनका जो हायरार्की सिस्टम है वो यूज़ करना है, फोर H4 है तो 4 times, H5 है तो 5 times, और S6 है तो 6 times, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने ऑल टेक्स्ट, इमेज में ऑल टेक्स्ट नहीं डाला। ऑल टेक्स्ट क्यों यूज़ करते हैं, ऑल टेक्स्ट में आपका फोकस कीवर्ड होता है, जिससे कि आपकी इमेज को इमेज में फोकस कीवर्ड हो या फिर और कोई कीवर्ड हो जो उससे रिलेटेड टर्म हो, गूगल उसको सर्च कर सके कि ये इमेज जो है, क्योंकि इमेज को तो वो क्रॉल नहीं करता, वो आएगा आपके ऑल टेक्स्ट को क्रॉल करेगा, ठीक है, आपने जो टेक्स्ट दिया है उसको क्रॉल करेगा, उससे उसको पता चल जाएगा गूगल को कि ये इमेज जो है इसका जो है इससे रिलेटेड है, उस सब्जेक्ट उसका ये है। और इमेज को कभी भी किसी वेबसाइट में इमेज आप यूज़ कर रहे हो तो प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है इमेज का। चलिए इमेज का ऑप्टिमाइजेशन भी बता देते हैं। इमेज ये एक इमेज है, इसको मैं यहाँ से प्रॉपर्टी में जाऊँगी, इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में आ जाऊँगी, डिटेल्स में जाऊँगी, यहाँ पे टाइटल डालना है आपको जो भी इमेज का डालना हो, सब्जेक्ट डालना है, फिर रेटिंग भी दे सकते हैं आप, टैग डालने हैं इमेज से रिलेटेड टैग, जैसे कि अगर ये हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ मैं लिख दूंगी, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग है तो वो लिख दूंगी, कमेंट्स में इसके बारे में कुछ कमेंट दीजिएगा, फिर कॉपीराइट है जो है अगर आपने बनाई है तो यहाँ पे नाम दे सकते हो आप अपना, और जिसने बनाई है ऑथर तो उसका नाम दे सकते हो, उसके बाद ओके करना है, तो ये आपकी ऑप्टिमाइज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद रीनेम में भी आप अपना कीवर्ड डाल दीजिएगा, जिससे कि ये गूगल आपका इमेज जो है अच्छे से क्रॉल करे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा नहीं है SEO का, ये वेब डिजाइनर का है, फ्रेम और ये सब, ठीक है। उसके बाद ट्विटर कार्ड में क्या होता है, ट्विटर कार्ड ये कुछ टैग होते हैं, ये भी डालते हैं पर हम इसमें कवर नहीं करेंगे इसको। अब बात करेंगे robot.txt की, ये सब ऑन पेज का चल रहा है आपका। robot.txt भी फाइल बतानी होती है आपको कि गूगल को ये क्रॉल करना है या नहीं करना है, ठीक है। robot.txt फाइल बहुत ज़रूरी होती है लगाना, और इससे हेल्पफुल हेल्प भी मिलती है क्रॉलिंग में, गूगल को डायरेक्टली पता चल जाता है, आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हो। और उसके बाद XML साइट मैप, ये भी बहुत ज़रूरी है, XML साइट मैप से ये पता चलता है गूगल को कि आपके
एक्चुअली उसको जैसे किसी पेज पे आया, एक्सएमएल साइट में उसने गूगल को पता चला एक्सएमएल साइट मैप है आपकी वेबसाइट में, तो उससे उसमें सारे पेजेस इंक्लूड होंगे, सब कुछ होगा, तो वो सब कुछ अपना क्रॉल कर लेगा, उसको डिफिकल्टी नहीं होगी क्रॉल करने में आपकी वेबसाइट। तो साइट मैप इसलिए जरूरी होता है, आपके सारा वेबसाइट का जो कॉन्टेंट है, सारा पार्ट है, वो सब इंक्लूड होता है इसमें, ठीक है। पूरा मतलब एक मैप है, जैसे कि किसी सिटी का मैप होता है, उस टाइप से ये मैप होता है। आप एक्सएमएल साइट मैप यूज कर सकते हो, एचटीएमएल साइट मैप यूज कर सकते हो, जिस टाइप की आपकी वेबसाइट है, तो वो आप पब्लिक एचटीएमएल की रूट डायरेक्टरी में आप जो है उसको साइट मैप को इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और लैंग्वेज भी आप डिफाइन कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट की लैंग्वेज कौन सी है। बाकी इसमें फेव आइकन गूगल एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट को मॉनिटर करने के लिए है। आप इसको भी वेबसाइट में कोड गूगल एनालिटिक्स का जो है कोड पुट कर देंगे आपका हेडर टैग में, तो ये भी वैसे क्या कहते हैं कि गूगल एनालिटिक्स का नॉर्मली हेडर टैग में डालते हैं, तो इसको फुटर में भी डाल सकते हैं। उससे ये होता है कि बंदा आया आपका पूरा वेबसाइट तक आया, फुटर तक आया, उसने पूरी वेबसाइट उसने देखी आपकी, तो ये भी बेटर होता है, फुटर में भी डाल सकते हैं। फेव आइकन जो है वो भी अच्छा होता है, आपकी आइडेंटिटी होती है वेबसाइट की, ठीक है। तो ये सब हो गया कि अब बेसिकली ये था इसमें क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है टारगेटिंग करने के लिए। तो कीवर्ड की डेंसिटी भी ध्यान में रखना है आपको कि 2 to 3% आपका डेंसिटी होनी है। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ आ जाते हैं नेविगेशन, ये सब हो गया है, हेडर टैग भी हो गया है, रोवर डॉट टीएक्सटी हो गया है, साइट मैप हो गया है, वेबसाइट स्पीड हो गया आपका, ये मैं रह गई हूँ गूगल, ये गूगल पेज स्पीड में जाएंगे, गूगल पेज स्पीड में तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये वाला लिंक आएगा यहाँ पे, फर्स्ट लिंक ही आएगा, गूगल पेज स्पीड डालेगा, वेबसाइट डालेगा, सॉरी वेबसाइट का लिंक कॉपी कीजिएगा, यहाँ पे यूआरएल डालिएगा और उसके बाद एनालाइज कर दीजिएगा जो भी चीज़ गूगल रिकमेंड करता है कि आपको आपकी देखेंगे क्या रिकमेंड कर रहा है ये वेबसाइट को अपने, तो चेक करते हैं। सॉरी फिर सॉरी क्या करें, मैं बताती रहती हूँ। ये आपकी वेबसाइट पे पेज स्पीड बताता है कि डोमेन की डेस्कटॉप पे कितना स्पीड है, मोबाइल पे कितनी स्पीड है, ऑप्टिमाइज है या नहीं है वेबसाइट, तो पूरा बताएगा, ठीक है। तो उसके अगर जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा कि जे क्वेरी जो है आपको ऑप्टिमाइज करनी है या इमेज ऑप्टिमाइज करनी है और आपका जावा स्क्रिप्ट ऑप्टिमाइज करनी है, तो जो भी कुछ सीएसएस फाइल ऑप्टिमाइज करनी है, तो जो भी देखिए इसका कितना स्लो है मोबाइल पे कितना स्लो है, तो जो जो ये रिकमेंड करेगा, देखिए इसने क्या किया, सर्वर टाइम को रिड्यूस करेगा, कंप्रेशन ये देखिए ये सब इनको कंप्रेस करने हैं और ये इनको ऑप्टिमाइज करने हैं, ये कैसे इनको ऑप्टिमाइज करनी है, सब चीज़ जो गूगल बताता रहेगा आप वो ऑप्टिमाइज कर लेंगे, ऐसे ही डेस्कटॉप में होगा। तो ये सब वेब डिजाइनर का काम है, आप सिर्फ बताओगे कि वेबसाइट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको रिजॉल्व करो, ठीक है। और मेन चीज वेबसाइट रिस्पॉन्सिव चेकर भी चेक करेंगे, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव, ठीक है, रिस्पॉन्सिव टेस्ट, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, आई थिंक रिस्पॉन्सिव चेकर है वो, तो यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे, जैसे ही मैं ये यूआरएल डाल देंगे और यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि मोबाइल फ्रेंडली, इतना ही करेंगे ये, ठीक है, तो ये मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है वो दिखा देगा आपको पूरी वेबसाइट, और मैं आपको ना दिखा ही देती हूँ, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन चेकर, ठीक है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन चेकर है ये, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन चेकर जैसे करेंगे तो फर्स्ट में ही आएगा, यूआरएल अपना डालेंगे आप यहाँ पे वेबसाइट का और कर देंगे, उसके बाद चेक करेंगे हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपकी वेबसाइट ऐसी दिखेगी, देखिए कितनी स्लो है, वेबसाइट ऐसी दिखेगी, उसके बाद मोबाइल पे ऐसी दिखेगी, तो मोबाइल में आईपैड पे ऐसी दिखेगी, ये है नेक्सस पे ऐसी दिखेगी,
इस पे ऐसी दिखेगी, सोनी एक्सपीरिया पे ऐसी दिखेगी, तो आप पूरा चेक कर सकते हो। अगर कभी कभी क्या होता है कि आपका पूरा कंटेंट नहीं आता, तो आप